कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा, चौकीदार के कानों तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए ना, ज्यादा दूर नहीं जाना। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला मिश्रा सच्चा लगे तो मजे लीजिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई के मारी, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हिंदुओं को लगता था ये हमारे हिमायती है, मुसलमानों को लगता था ये हमारे दुश्मन है, लेकिन सच बात ये है मेरे भाई कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दरअसल वो इंसानियत के दुश्मन है। तब मैं यहाँ खड़ा होकर के मिसरे पढ़ता हूँ कि हिंदू के भी दुश्मन है ये मुसलमान के दुश्मन, हिंदू के भी दुश्मन है ये मुसलमान के दुश्मन। रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन, रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन। इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है। जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। और एक दूसरे में अगर इस पूरी सरकार की सच्चाई बयान कर दी हो मैंने तो मेरी हिम्मत के लिए साथ देना मेरा। मैं जानता हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है इस मुश्किल दौर में, एक ऐसा दौर है जब जो इनकी हिमायत में बोलता है उसे अगले दिन जेड प्लस की सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन जो इनके खिलाफ खड़ा होता है उस पर कभी ये गाड़ी चढ़वाते हैं, कभी उसकी जान लेते हैं। कि इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। आम आदमी नहीं, इस एक लाइन में दोनों निपट रहे हैं। आम आदमी नहीं ये अंबानी की है सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार।